नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा कौशल। दर्शकों, आज बात हम करेंगे कर्जे पर, क्योंकि आप अगर कर्जे से परेशान हैं, बहुत समय हो गया है और अब उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं कि चाहते हैं कि नहीं, बस अब कर्जा नहीं होना चाहिए, मेहनत बहुत करते हैं लेकिन उसके पास भी उसके बाद पैसा नहीं बचता है आपके पास, तो क्या करें? देंगे हम आज आपको वो महा उपाय जिससे आपका कर्जा खत्म होगा, आपके ऊपर धन की वर्षा होगी। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। स्वागत है पंडित जी आपका। जय श्री कृष्णा, जय माता की, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो दर्शकों, टोटके पे तो चर्चा होगी ही, साथ ही आपकी समस्याओं के समाधान भी हम आपको देंगे और उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होते रहेंगे। शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं आज का दुर्लभ संयोग। गुलक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, आज आपके पसंदीदा शो गुडलक टिप्स में हम बात करेंगे आज किए जाने वाले कुछ ऐसे महाचमत्कारिक उपायों की, टोटकों की, जिन्हें करने से आपको मिलेगा छप्पर फाड़ के धन, दूर होंगी नौकरी व्यापार में आ रही तमाम रुकावटें। तो जल्दी से कागज कलम पेन लेकर बैठ जाइए और लिखते जाइए आज के महाचमत्कारिक उपाय। तो दोस्तों, आज बुधवार दिनांक 8 मई सन 2019 को वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। मृक्षि नक्षत्र है, सुकर्मा योग है, आज विनायक चतुर्थी का व्रत किया जाएगा और साथ ही आज सर्वार सिद्धि योग का बना बड़ा ही दुर्लभ संयोग। ऐसे दुर्लभ संयोग में आज भगवान गणेश जी का पूजन करना, व्रत करना, उपाय करना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। आज के दिन भगवान गणेश के विशेष पूजन से, व्रत से, उपाय से मिलेगा आपको छप्पर फाड़ के धन, मिलेगी कर्ज से मुक्ति, मिलेगा भरपूर बिजनेस में लाभ, मंद बुद्धि बच्चे भी बनेंगे बुद्धिवान। तो क्या है पूजन विधि, आइए उसको भी जल्दी से समझ लेते हैं। आज बुधवार के दिन भगवान गणपति का कच्चे दूध से, दही से, शहद से, शुद्ध देशी घी से, सुगंधित इत्र से, विशेष तौर पर आज बुधवार के दिन भगवान गणेश का यदि आप गन्ने के रस से अभिषेक करते हैं तो भगवान गणपति बहुत प्रसन्न होते हैं। तो भगवान गणपति का गन्ने के रस से अभिषेक करके विधिवत उनका पंचोपचार पूजन अर्चन करें। कांसे के दीपक में गौघृत का दीपक जलाइए, सुगंधित धूप अर्पण कीजिए, तीन पत्ती दुर्वा कैसी होती, दुर्वा दोब जिसको बोलते हैं घास, वो घास तोड़ लीजिए, तीन पत्ती की रखी, कभी भी आप दुर्वा चढ़ाएं तो वो तीन पत्ती की होनी चाहिए। कैसे तीन पत्ती काउंट करते हैं, एक स्ट्रेट निकली हुई और दो साइड में, और बाकी को साफ कर दीजिए। ऐसी तीन पत्ती की 21 दुर्वा भगवान गणपति को अर्पण करना है। भगवान श्री गणेश को शुद्ध देशी घी और गुड़ का भोग लगाना, शमी पत्र गणेश जी भगवान को बहुत प्रसन्न है। यदि आप कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, व्यापार में लाभ वृद्धि चाहते हैं, नौकरी में तरक्की प्रमोशन चाहते हैं तो नियम मान लीजिए कि हर बुधवार को गणपति भगवान को 11 शमी पत्र तो अर्पण करने ही हैं, ओम गंग गणपते नमः करते हुए। 21 लड्डुओं का भोग लगाइए, एक विशेष मंत्र जो मैं आपको बताऊंगा उसका जाप कीजिए। जाप के पश्चात भगवान श्री गणेश की आरती करें, पुष्पांजलि करें, क्षमा प्रार्थना करें। आज का जो पूजन मंत्र रहेगा वो रहेगा ओम ऐश्वर्य कारणाय नमः, ओम ऐश्वर्य कारणाय नमः, ओम ऐश्वर्य कारणाय नमः, ओम ऐश्वर्य कारणाय नमः। तो जो भी भक्त आज नाना प्रकार के उपचारों से भक्तिपूर्वक भगवान श्री गणेश जी की पूजन अर्चन करेंगे, उनके विघ्नों का, उनके कष्टों का, उनकी रुकावटों का, उनकी समस्याओं का सदा के लिए नाश हो जाएगा। हर कार्य के अंदर उनको सिद्धि प्राप्त होगी,
बनेंगे नेम फेम, मिलेगी प्रतिष्ठा, मान सम्मान, कर से मुक्ति। जिस जिस वस्तु की कामना आज ऐसे दुर्लभ संयोग में आप करेंगे, निश्चित तौर पर भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से वो वस्तु आज आपको प्राप्त होगी। बिल्कुल, तो आज जो दुर्लभ संयोग बन रहा है उसमें आप भगवान गणेश की पूजा कीजिए और आप जिस चीज की कामना करते हैं वो आपको मिलेगी। पंडित जी ने देखिए उपाय आपको बता दिया, विधि आपको बता दी है, आगे कर्जे से मुक्ति कैसे आपको मिल सकती है वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले अर्चना जी का कॉल लेंगे। पंडित जी दिल्ली से जुड़ गई हैं और अपनी माँ के लिए पूछना चाहती हैं। अर्चना जी स्वागत है आपका, बताएं डेट ऑफ बर्थ अपनी माँ का अगर है तो, और समस्या पूछिए। बोलिए बेटा। जय श्री कृष्ण पंडित जी। अर्चना जी सुन पा रही हैं आप? हाँ जी मैं आपको सुन पा रही हूँ। हेलो, की आवाज नहीं आ रही है पंडित जी। आगे बढ़ते हैं, अविनाश जी का कॉल लेते हैं, जयपुर से ये जुड़ गए हैं। 20/6/1992 डेट ऑफ बर्थ और 3:10 का सुबह का समय ये बताते हैं। अविनाश जी स्वागत है आपका, बताएं सवाल क्या है। जय श्री कृष्णा पंडित जी। जय श्री कृष्णा बेटा। पंडित जी मैं वापस बोलिए बेटा। मेरे को अपने फ्यूचर के बारे में पूछना है, अपनी जॉब वगैरह के बारे में। अभी क्या करते हैं आप? मैं अभी जॉब करता हूँ। देखो बेटा अविनाश, जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, आपकी जन्म कुंडली में गुरु की महादशा चल रही है और उसमें भी शनि का अंतर है। शनि आपके नौकरी व्यापार के घर में बैठा है, लेकिन चंद्रमा के साथ जब शनि बैठ जाता है तो विष योग बना देता है। हमारे हिसाब से अभी कोई नौकरी के लिहाज से आपका बहुत अच्छा समय नहीं है। आपकी नौकरी में तरक्की ग्रोथ या जो भी बेटर अपॉर्चुनिटीज जो आपको मिलेगी नेक्स्ट ईयर फरवरी 2020 ऑनवर्ड से, डेट विल बी मच 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 बेटर टाइम एज पर करियर आस्पेक्ट। चूँकि विषदोष है तो योग्य आचार्य के निर्देशन में विषदोष की शांति करवाइए। हर सोमवार को एक एक चांदी का चंद्रमा शिवलिंग पर अर्पण कीजिए। कच्चे दूध से या छाछ से अभिषेक करके चंद्रमा को शिवलिंग पर छोड़ दीजिए। ऐसा 11 सोमवार कीजिएगा, निश्चित तौर पर नौकरी के अंदर तरक्की प्रमोशन सब कुछ प्राप्त होगा। बिल्कुल, तो अविनाश जी आप अभी जिस जगह हैं बहुत अच्छी जगह हैं, तो यहाँ मेहनत करते रहिए और अगले साल आपको प्रमोशन मिलेगा, आपकी खुशियाँ दुगनी हो जाएंगी। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं पंडित जी, चूँकि हमारा कार्यक्रम टीवी पे तो लाइव होता ही है, फेसबुक पे भी लगातार लाइव चलता रहता है और वहीं पर एक कॉलर जो है हमारे साथ एक समस्या लेके जुड़ी हुई है। महिला संतोष जी हैं जयपुर से, इन्होंने मेल किया है और 3/1987 डेट ऑफ बर्थ और 11:30 का सुबह का समय। ये पूछती हैं कि इनका भविष्य कैसा रहेगा। देखिए बेटा संतोष, जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, पहली चीज़ तो यह है कि रेवती नक्षत्र का जन्म है। रेवती नक्षत्र गणमूल नक्षत्र में आता है, पैदा होते ही 27वें दिन उसकी पूजन अर्चन होनी चाहिए। आशा करते हैं आपके माता पिता ने कराई होगी, यदि नहीं करवाई है तो योग्य आचार्य के निर्देशन में रेवती नामक गणमूल नक्षत्र की शांति करवाइए। दूसरा, आपकी जन्म कुंडली में अभी सूर्य की महादशा चल रही है और सूर्य की महादशा में भी आपको इस वक्त फिलहाल केतु का अंतर चल रहा है, जुलाई 2019 तक रहेगा और सूर्य आपकी जन्म कुंडली में शत्रु राशि में बैठा है। कुल मिलाकर जुलाई 2020 के पश्चात आपका समय सुधरेगा एंड करियर के अंदर ग्रोथ और बाकी सब चीज़ें जो बेटर फ्यूचर जिसको आप कहते हो, That will start from 30th July 2020 onwards. देखिए संतोष जी, तो आपका भविष्य जरूर सुधरेगा और अगर आप हमें फेसबुक पे लाइव सुन रही होंगी तो आपको उपाय पंडित जी ने बता दिए हैं, तो वो उपाय कीजिएगा और 2020 में आपका समय बहुत अच्छा आएगा, तो बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। दयाराम जी का कॉल लेते हैं, अगले कॉलर अलवर से ये जुड़ गए हैं और 23/1977 डेट ऑफ बर्थ और 5:45 का शाम का समय है। दयाराम जी स्वागत है आपका, सवाल कीजिए पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। शुभ आशीर्वाद। जय श्री कृष्णा बेटा। पंडित जी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं करीबन 2011 से बहुत ज्यादा परेशान चल रहा हूँ और मेरा बिजनेस भी खत्म हो गया, मेरे घर बार भी बिक गए और मैं बिल्कुल ऐसी स्थिति में आ गया कि जो भी काम करता हूँ नुकसान ही नुकसान हो रहा है, कहीं कोई काम बनता नजर नहीं आ रहा। देखिए बेटा, जो सबसे बड़ी समस्या है दयाराम, आपकी जन्म कुंडली में 2013 जून 2013 ऑनवर्ड से आपको शनि की महादशा शुरू हुई है। लोगों को शनि जो है वो न्याय का देवता जो है, वो कई लोगों को तो धनवान बनाता है और कई को रोडपति भी बना देता है।
आपकी जन्म कुंडली में शनि जो है वो शत्रु राशि में बैठा है, चंद्रमा के घर में विष दोष बना रहा है और साथ में सूर्य और बैठ गया, पितृदोष और बन गया है। आपकी शनि की महादशा चलेगी 2032 तक, तो 2013 से जो महादशा शुरू हुई है 2032 तक चलेगी। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा रहे तो शनि को ठीक करिए। शनि को ठीक करने के लिए एक तो हनुमान जी की नियमित रूप से आराधना कीजिए, हर शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करें, शनि भगवान के मंदिर में दर्शन करें, एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में धारण कराएं, उज्जैन जाकर या पुष्कर जाकर पितृदोष की शांति करवाएं, घर में अपनी माता जी को बोलिए पितरों के नाम का देशी घी का दीपक जलाएं, या आपकी पत्नी को बोलिए कि नियमित रूप से अमावस पे तो पितरों को भोग देना है, रोजाना पितरों के नाम का दीपक अवश्य जलाएं। योग्य आचार्य के निर्देशन के अंदर पितृदोष की विधि विधान पूर्वक अमावस तिथि के ऊपर तीर्थ स्थान पर जाके आप शांति करवाइए और शनि को ठीक करने के लिए हनुमान जी को पकड़ के चलिए, तभी आपका बेड़ा पार होगा, नहीं तो ये शनि आपको बहुत कष्ट देने वाला है जी। और दर्शकों, अब उस महा उपाय की तरफ, महा टोटके की तरफ बढ़ते हैं जिससे आपका कर्जा खत्म हो जाएगा। तो क्या है वो उपाय, चलिए पंडित जी से जान लेते हैं। दोस्तों, आज बुधवार को करें ये महा चमत्कारिक उपाय। चमक सकती है आपकी किस्मत, हो सकती है धन सौभाग्य की बारिश। तो दोस्तों, क्या आप अमर बेल जैसे बढ़ते हुए कर्ज से परेशान हैं? क्या आपकी परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं लेती हैं? क्या आप लाख कमाने के पश्चात भी ठन ठन गोपाल रहते हैं? क्या आप जितना धन कमाते हैं वो सब हारी बीमारी में ही पूरा हो जाता है? क्या आपको लगता है कि कर्ज, बीमारी, रुकावटें आपके जीवन का, आपकी लाइफ का एक हिस्सा बन चुकी है? यदि हाँ, तो आज विशाख मास के शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी पर गणपति जी महाराज की पूजा से होगा एक बड़ा चमत्कार। गणपति स्वयं करेंगे आपका बेड़ा पार। तो आज इस महा चमत्कारिक टोटके से मां लक्ष्मी, भगवान गणेश जी होंगे प्रसन्न, करेंगे आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि का वास, सौभाग्य, बरकत, लाभ, धन कोष में वृद्धि। करना क्या है आपको, आइए उसको समझ लेते हैं। आज बुधवार के दिन संध्या समय में घर के मुख्य द्वार पर द्वार गणपति जो होते हैं उनको सिंदूर का चोला चढ़ाइएगा। सुबह के समय भी कर सकते हैं, आपके समय की उपलब्धता के अनुसार। घर के मुख्य द्वार पर जो गणपति हो उनको सिंदूर का चोला चढ़ाइएगा और फिर उनको चांदी का वर्क भी अर्पण कीजिएगा, पुष्पमाला अर्पण कीजिएगा। द्वार गणपति के दोनों तरफ, द्वार गणपति के दोनों तरफ केले के पत्ते पर मिट्टी के दीपक में शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइएगा। बेसन के लड्डू का भोग द्वार गणपति को अर्पण कीजिएगा। घर के मुख्य द्वार पर गणपति को चढ़ाए गए सिंदूर से दाई तरफ जो है स्वस्तिक का चिन्ह बनाइएगा। अब अपने पूजा स्थल पर भगवान गणेश जी के समक्ष बैठ जाइएगा और उनके समक्ष बैठकर आज आपको चौमुखा देशी घी का दीपक भगवान गणपति के समक्ष जलाना है। आज अपनी उम्र के, अपनी एज के बराबर जितनी आपकी उम्र है, मान लीजिए आप 47 इयर्स के हैं तो 47 लड्डू, 50 साल के हैं तो 50 लड्डू, 20 साल के हैं तो 20 लड्डू अपने सामने रख लीजिएगा। फिर एक एक करके सारे लड्डू भगवान गणपति को अर्पण करना है और हर लड्डू के साथ में ओम गंग मात्र बीज मंत्र है गणपति भगवान का। ओम गंग, ओम गंग, गंग करते हुए एक एक लड्डू भगवान श्री गणपति के चरणों में अर्पण करना है। हर लड्डू के साथ ओम गंग मंत्र जपते रहें और लड्डुओं को अर्पण करते रहें। इसके पश्चात बाधा दूर करने की, हर्डल्स को दूर करने की, रुकावटों को दूर करने की, कर्ज से मुक्ति की, नौकरी व्यापार में आ रही समस्याओं को दूर करने की, विवाह में आ रही
रुकावटों को दूर करने की, जो भी आपकी परेशानियां हैं उनको दूर करने की प्रार्थना करें। पूजा के पश्चात एक लड्डू आपको स्वयं को खाना है, बाकी जो लड्डू है वो घर से बाहर निकलकर गरीब लोगों के मध्य में कन्याओं को या बच्चों को आप उसको वितरित कर दीजिए। गणपति के समक्ष खड़े होकर गणेश जी की आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। इस सरल से उपाय से आज वैशाख मास की विनायक चतुर्थी पर यदि आप अपने उम्र के बराबर लड्डू गणपति को अर्पण करते हैं तो भगवान गणेश जी रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ पूरे परिवार समेत आपके घर में, आपके तिजोरी में, आपके व्यापार में परमानेंट निवास करने लगते हैं। गणपति महाराज आज करेंगे आपके सभी विघ्नों को, सभी कष्टों को, सभी रोगों को, सभी शोकों को दूर। घर में होगी शांति बरकत चारों ओर। बिल्कुल, तो आगे आज का गुड लक टिप्स और दिव्य मंत्र भी हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक पर जाते जाते छोड़े जाते हैं आज के पंचांग के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में, और दर्शकों यहाँ पंडित जी हमें दे रहे हैं वो उपाय, वो मंत्र जिससे आपके जीवन में आने वाली हर समस्या का समाधान आपको मिलेगा। और उसी तरह कुछ कॉलर भी हमारे साथ जुड़ते हैं, तो अवंतिका जी का कॉल ले लेते हैं। ब्यावर से ये जुड़ गई है। 25/4/2000 डेट ऑफ बर्थ और 2 बजे का रात का समय। अवंतिका जी स्वागत है आपका, सवाल कीजिए पंडित जी से। जय श्री कृष्णा पंडित जी। जय श्री कृष्णा बेटा। मैं ये पूछ रही थी कि मैं अभी कंपटीशन रेलवे का फॉर्म भरा है मैंने, तो मेरी गवर्नमेंट जॉब लगने का कोई जोग है या नहीं है, और डेट ऑफ बर्थ में जो 25 की सुबह है 2 बजे का। जी बेटा, देखिए बेटा, जहाँ तक आपके जन्म कुंडली का सवाल है, अभी तो फिलहाल आपको चंद्रमा की महादशा और राहु का अंतर चल रहा है, इसको ग्रहण योग बोलते हैं, और ये 19 जुलाई 2019 तक रहेगा। उसके पश्चात 1 साल का समय अच्छा है, अभी तो आप बहुत छोटी हैं, आगे प्रयास करेंगे तो सरकारी नौकरी जरूर आपको मिलेगी। आपके प्रश्न ये है कि क्या आपको नौकरी मिलेगी, तो निश्चित तौर पर गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, लेकिन आपकी कुंडली में 2-3 समस्याएं हैं। आपका भाग्येश बुध जो है वो नीच का है, आपके जन्म कुंडली में शनि भी नीच का, आपके डिसीजन हाउस का जो ऑनर है, निर्णय के घर का जो स्वामी है शनि, वो नीच का है। पितृदोष आपकी जन्म कुंडली में बना हुआ है, तो योग्य आचार्य के निर्देशन में ग्रह शांति अवश्य करवाइए। काले नीले रंग के कपड़ों का प्रयोग कम से कम कीजिए, हरे रंग के कपड़ों का प्रयोग कम से कम कीजिए। घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक नियमित रूप से जलना चाहिए। सरकारी नौकरी प्राप्त होगी, मेहनत में कमी मत आने दीजिए। वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में हर साल अपने जन्मदिन पर अवश्य कीजिए। बिल्कुल, तो अवंतिका जी देखिए उपाय पंडित जी ने बता दिया है, और जिन जिन रंगों से आपको दूर रहना है उनका ध्यान जरूर रखिएगा, आपको जो नौकरी, आपकी जो समस्या है उसका समाधान आपको जरूर मिलेगा। आगे विजयराज जी का कॉल लेते हैं, कोटा से ये जुड़ गए हैं। 2 जनवरी 1991 डेट ऑफ बर्थ है। विजयराज जी स्वागत है आपका, समय अगर है तो समय दीजिए और फिर सवाल कीजिए। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, पूछिए।
टीवी का वॉल्यूम बंद कीजिए विजयराज जी। हाँ गुरु जी नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा एक प्लॉट है वो काफी दिन से मतलब 93 में लिया था मैंने। हाँ। अभी तक तो वो बिक नहीं रहा, मैं उसे बेचना चाहता हूँ सर, उसके बारे में कोई उपाय मुझे बताओ जो बिके। किसके नाम से है? हाँ जी मेरा प्लॉट है सर, मेरे नाम से ही है, विजयराज सिंह के नाम से। आपकी डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 2/1/1951 मतलब 1951। हाँ जी। ओके, देखिए जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से अगर हम देखते हैं, एक तो वैसे भी आपके जन्म कुंडली के अंदर सर्पदोष बना हुआ है, काल सर्प दोष है। सर्पदोष होने का कारण जो है वो आपके हर काम के अंदर रुकावटें, अड़चन, समस्याएं लेके आता है, बनता बनता काम को बिगाड़ता है। तो पहला काम तो आपको ये करना है कि आपके पास में उज्जैन है, वहाँ जाके आप सर्पदोष की शांति अवश्य करवाइए किसी भी पक्ष की पंचमी को। दूसरा, भूमि पुत्र मंगल उच्च का है, आपके जमीन जायदाद के योग बिकने के जो बनेंगे इसी वर्ष सितंबर के पश्चात में, यानी इस वर्ष के अंत तक में आपका जो भी जमीन जायदाद से बिकने संबंधित जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान इसी वर्ष आपको अगले कुछ महीनों के अंदर प्राप्त होगा। हर रविवार को अगर आप पूजा कराने नहीं जा सकें तो अपनी अड़चनों को, रुकावटों को दूर करने के लिए सफ़ेद उड़द की दाल को भिगोकर उसके बड़े तलिए 11-21 बगैर नमक के हर बड़े पे एक एक लौंग लगाकर मछलियों को खिलाइए और प्रार्थना कीजिए कि जो भी आपकी रुकावटें हैं, हर्डल्स हैं, समस्याएं वो दूर हों। 11 रविवार ये उपाय कीजिएगा, आपको 100% पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होगा। उम्मीद करते हैं आपकी समस्या का हल भी आपको मिल गया होगा। और दर्शकों अब आगे बढ़ते हैं, और चूंकि आज गुड लक टिप्स बहुत सारे जानने बाकी हैं तो पंडित जी से आज की गुड लक टिप्स ले लेते हैं। आइए जानते हैं आपके दिन को सक्सेसफुली बनाने वाले आपके पसंदीदा स्पेशल गुड लक टिप्स। सबसे पहला गुड लक टिप्स जो है वो आपकी सेहत से जुड़ा है, हेल्थ से जुड़ा हुआ है। तो यदि आप आज के दिन हेल्थ अच्छी रखना चाहते हैं, सेहत अच्छी रखना चाहते हैं, बीमारियों से मुक्ति चाहते हैं, तो आज आपको पालक और मेथी दोनों को मिक्स करके सब्जी बनानी होगी और उसका सेवन आपको करना होगा। निश्चित तौर पर ये दोनों जो हरी सब्जी हैं इसका सेवन करने से आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। अगला गुड लक टिप्स हमारे पढ़ने वाले बच्चों से जुड़ा हुआ है, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आज गन्ने के रस से या गणेश जी का अभिषेक कीजिएगा, और पन्ने के अगर गणपति आज मिल जाए तो गन्ने के रस से उनका अभिषेक करके और उनको अपने पढ़ने वाली टेबल पर, स्टडी टेबल के ऊपर स्थापित कर दीजिए। पन्ना जो होता है स्टोन एमरेल्ड, उसके बने हुए छोटे से गणपति का गन्ने के रस से अभिषेक करके और अपने स्टडी टेबल पर स्थापित कर दीजिए। 100% कोई भी कंपटीशन आईएएस का, आरएएस का और भी जो कंपटीशन दे रहे हैं नेट का, हर में सिलेक्शन पक्का है। अगला गुड लक टिप्स कर्ज मुक्ति से जुड़ा है, धन आगमन से जुड़ा है, वेल्थ से जुड़ा है। तो कर्ज से मुक्ति चाहते हैं तो आज बुधवार के दिन किन्नरों को पनीर के पकोड़े खिलाइएगा, जो भी उनको पसंद हो उस पसंद का पकवान, मिष्ठान उनको अवश्य खिलाइएगा। निश्चित तौर पर 5 बुधवार किन्नरों को उनकी पसंद का पकवान, उसमें कुछ नमकीन जरूर होनी चाहिए, वो खिला दें तो कर्ज से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आज का गुड लक टिप्स आपकी नौकरी से जुड़ा है, व्यापार से जुड़ा है, आपके प्रोफेशन से जुड़ा है। तो आज नौकरी व्यापार में सफलता प्राप्त करने के लिए घर से निकलते समय कुछ बिस्कुट के पैकेट लेकर निकलिएगा। रास्ते में जहां आपको छोटे बच्चे दिखें, कन्याएं दिखें, उनको आप वो बिस्कुट के पैकेट बांट दीजिएगा। निश्चित तौर पर नौकरी व्यापार में सब कुछ अच्छा रहेगा। चलिए और अब आगे आज का दिव्य मंत्र भी जान लेते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं आज का महादिव्य मंत्र, ओम सखये नमः, ओम सखये नमः, ओम सखये नमः, ओम सखये नमः। लाभ क्या है? अच्छे दोस्त बनवाने वाला, समय पर काम आने वाले लोगों से मित्रता करवाने वाला। बहुत से लोगों की समस्या रहती है कि हमारे दोस्त ही नहीं बनते हैं। जान निछावर करने वाले, दोस्तों का साथ दिलवाने वाला ये एक महादिव्य मंत्र है।
हमारे उन दशकों के लिए जिनके दोस्त नहीं बनते हैं, उनके लिए ये मंत्र बड़ा ही दुर्लभ मंत्र साबित हो सकता है। अपने घर के दिवाले में एक शुद्ध देशी घी का दीपक जलाकर 108 बार इस मंत्र का जाप करें। दोस्तों की एक लंबी कतार आपके लिए बन जाएगी, जो हर समय रहेंगे आपके लिए जान देने को भी तैयार। तो दोस्तों, उम्मीद यही करते हैं कि आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा। पंडित जी स्टूडियो में आने के लिए, समस्याएं सुलझाने के लिए शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री। तो अगर आपकी भी कोई समस्या है, समाधान जानना चाहते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं सोमवार से रविवार। अभी के लिए इतना ही। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।